नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब साइकिल के बारे में। दोस्तों, साइकिल एक सस्ता और प्रदूषण रहित वाहन है जो हमारे भारत में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, पर कुछ कंपनी आजकल साइकिल के डिज़ाइन में बदलाव करते करते कुछ ऐसी डिज़ाइन बना डाले जो देखने में काफ़ी अजीब है। तो दोस्तों, कौन कौन सी है वो साइकिल, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, लॉपिक किट वॉकिंग साइकिल। दोस्तों, ट्रेडमिल को रास्ते पर ले जाने का आइडिया भले ही अद्भुत लग सकता है, पर इस अजीब आइडिया ने ब्रुइन को प्रेरित किया, जो आज पूरे दुनिया में मशहूर है। इलेक्ट्रिक बाइक और ट्रेडमिल का यह मिश्रण पैडल की जगह बिजली पर काम करता है। इसके सवारी को ऐसा लगता है मानो वह घर या जिम में ट्रेडमिल कर रहे हों। दोस्तों, ये साइकिल 7 फीट लंबा और 1.3 फीट चौड़ा और 3.9 फीट ऊँचा है। 6 रंगों में पाई जाने वाली ये साइकिल बैटरी से चलती है और इसकी कीमत तकरीबन $2,230 है। दोस्तों, नंबर दो पे है लॉन्गेस्ट साइकिल। नीदरलैंड की ये 117 फीट लंबी साइकिल दुनिया की सबसे लंबी साइकिल है। सबसे लंबी साइकिल बनाने के मिशन में द साइकिलिंग ग्रुप ने बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली ये साइकिल सिर्फ 2 पहियों पर चलती है और लंबाई के कारण इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस साइकिल में स्टेबलाइजर और ट्रेनिंग व्हील्स नहीं है और ये साइकिल बिना मुड़े सिर्फ सीधा ही चलती है। नंबर तीन, द बाईसैम्पल। इस साइकिल की सबसे खास बात यह है कि ये साइकिल बिना चैन के चलती है और इसको चलाने के लिए आपको बस इसके पीछे के पहियों को ही चलाना होगा। यह साइकिल एक सर्कल साइकिल की तरह काम करती है। चैन के ना होने के कारण इसमें दूसरे बदलाव करने पड़े, जैसे कि ट्रायंगल एक्सेस की जगह क्रैंक आर्म एक्सेस की मदद से पहियों को जोड़ा गया है। ये साइकिल को चलाने वाला इस साइकिल के पीछे चक्कों से कंट्रोल करता है। चैन और गियर ना होने के कारण बनाने वालों ने इस साइकिल के व्हील्स को एक साथ लाया है, जिससे रास्ते में कोई भी मुश्किल को आराम से पार किया जा सके। अभी इसे ड्राइवरों के हाइट के हिसाब से 2 अलग साइजों में खरीदा जा सकता है और इसकी कीमत बाजार में लगभग $800 है। दोस्तों, नंबर चार पे है रनिंग शू साइकिल। जुलाई 2016 की रेसिडेंस साइकिल रनिंग लंदन में इसे देखा गया। इसकी सबसे अलग बात यह है कि इसके टायर्स नहीं है, उसकी जगह इसके व्हील्स में एक जैसे दिखने वाले 6 जोड़ी रनिंग शूज लगे हुए हैं। इसके फाउंडर ट्रैवलर स्टीव वीग ने इस रनिंग शू साइकिल को बनाया है। नंबर पाँच, बैंडी साइकिल। वैसे तो साइकिल मज़ेदार होती है, पर क्या आपने फोल्डिंग साइकिल के बारे में सुना है? यह एक ऐसी फ्लेक्सिबल साइकिल है जो किसी भी पोल या खंभे में मोड़कर लॉक की जा सकती है। साइकिल के सारे हिस्सों को एक साथ लॉक करने के लिए ही इस साइकिल को डिज़ाइन किया गया है और अब इसे काफ़ी छोटे स्थानों पर भी रखा जा सकता है। दोस्तों, नंबर छः पे है बर्ड ऑफ प्रे। जहां आम साइकिल में सवारी बैठ के चलाते हैं, वहां इसे बिना लेटे नहीं चलाया जा सकता। बनाने वालों का दावा है कि इस पोजीशन में चलाने वालों की मेहनत और बैकबोन पर पड़ने वाला लोड दोनों ही कम हो जाता है। इसके कारण बैकबोन की ये समस्या वाले लोग भी इसका आनंद उठा लेते हैं। चलाने वालों की पोजीशन स्विमर्स और उड़ते हुए पंछी जैसी होती है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एल्यूमिनियम बॉडी के कारण ये बहुत तेज चलती है। $4,800 की यह साइकिल काफ़ी अद्भुत है और चलाने वालों के लिए सुरक्षित भी है। नंबर सात, क्विगल साइकिल। जर्मनी का कास्टन साइकिल बहुत ही छोटे साइज में फोल्ड किया जा सकता है। फोल्डिंग पोजीशन में इसकी साइज बस 55x40x25 सेंटीमीटर होती है, जो आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है। इस कंपनी का दावा है कि क्विगल दुनिया का इम्पैक्ट फोल्डिंग साइकिल है और इसका वजन सिर्फ 8.5 kg है और इस साइकिल को चलाने के लिए अपराइट पोजीशन में पैडल करना होता है, जो एक फिटनेस एक्सरसाइज का भी काम करता है। ये साइकिल 20 किलोमीटर पर आवर पर चल सकती है। दोस्तों, नंबर आठ पे है वॉकिंग साइकिल। इसका पहला व्हील, फ्रेम और हैंडल सब साधारण है, पर अगर कुछ अलग है तो इसका पिछला व्हील, जिसकी जगह पे इसके बनाने वालों ने कई सारे मेटलिक एलिमेंट को मिलाकर एक मकड़ी के पैर जैसा आकार दिया है। इस साइकिल में 450 मेटलिक एलिमेंट और 120 से ज़्यादा प्लास्टिक क्लच लगाया गया है। इस साइकिल को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। सिर्फ फ्लैट सड़कों पर चलने वाली ये साइकिल मार्केट में नहीं है, पर कई सारे एग्जीबिशन में देखी गई है। दोस्तों, अगले और दो साइकिल के बारे में जानने के लिए बने रहिए एवरीथिंग इज पॉसिबल के साथ। दोस्तों, इसके अगले भाग में 2 और साइकिल और कुछ और अजीबोगरीब साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ इस वीडियो को दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।